ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अब हम मोहन मंत्र, आकर्षण के लिए मोहन सम्मोहन इन विद्याओं का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इन विद्याओं को गुप्त रखने का निर्देश है, लेकिन इसमें कुछ छोटी साधनाएं और तुच्छ कोटि की साधनाएं तुच्छ हैं, और जो साधारण हैं तो उनका परिचय कुछ ग्रंथों में है। तो हम यहाँ प्रमाणिक ग्रंथ है उडिशतंत्र, रावण द्वारा रचित है, तो उसमें जो प्रयोग बताया गया है आपको, उसका हम यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। उस मंत्र को और उस मंत्र को उपयोग करने की विधि को आपको यहाँ बता रहे हैं। ॐ ह्रीं कालिकपालिनी घोरनादिनी विश्वं विमोहय जगन्मोहय सर्वं मोहय मोहय ठः 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 स्वाहा। ये मंत्र है जो मैंने यहाँ उच्चारण किया, इसको पुनः से उच्चारण कर देता हूँ मैं, और इसको एक ही बार में, यानी कि लय भंग नहीं होना चाहिए, स्वर भंग नहीं होना चाहिए। लय भंग और स्वर भंग हुए बगैर ये मंत्र को आपको 1 लाख जाप करेंगे, उसके बाद में सिद्धि प्राप्त होगी। और इसमें ध्यान रहे कि गुरु आपके साथ में हो तभी आप जाप करें, और बगैर गुरु दीक्षा लिए, बगैर गुरु के सानिध्य में बैठे किसी भी मंत्र को, केवल इसी मंत्र को ही नहीं, कतई सिद्ध न करें। इसका विवरण रावण द्वारा आगे बताया गया है, जिसको हम आपको बताएंगे कि उसने भी क्या निषेध किया है, क्यों वर्जित किया है, तो वो सब विधियां आपको बताएंगे। पहले हम आपको ये मोहन मंत्र जो है, इसका हमने अभी यहाँ उच्चारण किया, पहले इसका वो बता दें मंत्र और विधि कि इसको कैसे उपयोग किया जा सकता है, कि जिससे किसी भी व्यक्ति का मोहन सम्मोहन और आकर्षण किया जा सके। वशीकरण बात की क्रिया है, आकर्षण बुलाने तक सीमित रहता है। ये थोड़ा सा भेद समझ लें आकर्षण और वशीकरण। और मोहन वो चीज होती है कि आपको ऐसा मोहनी वो फेंक देते हैं कि सबके सब वशीभूत हो जाते, सम्मोहित हो जाते हैं। इसके लिए हम आपको इसी उसमें एक फिल्म दिखाने जा रहे हैं, वास्तविक फिल्म है और सच्ची फिल्म है, और ये गोवर्धन परिक्रमा में, मथुरा से आगे गोवर्धन पर्वत है जिसे गिरिराज जी कहते हैं, गिरिराज जी परिक्रमा में किस प्रकार से मोहन या सम्मोहन किया गया कि वहां पर कुत्ते बंदर बिल्ली से लेकर के इंसान तक सबके सब बेहोश हो गए, सब सम्मोहित होकर के योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा का आह्वान योग माया जो हमारी कुलदेवी है तोमर राजवंश की, और उसका असर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आप स्वयं इस फिल्म में, यहाँ पर जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें स्वयं देखेंगे कि इस मंत्र का, ये वाला मंत्र नहीं, यो वो तो योग माया और योग निद्रा का मंत्र वहाँ पर उच्चारण हुआ, और मात्र 1 बार उच्चारण किया गया, और वहाँ सब बुरी तरह से बेहोश, सारे इंसान, पुजारी, मंदिर के कुत्ते, बंदर, बिल्ली, सब पूरे इस तरह बेहोश हो गए कि आप वहाँ बहुत तेज तेज आवाज में, जब हम लोग बातें कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे लेकिन किसी को होश नहीं आ रहा था, सबके मुंह फटे पड़े थे, और किस तरह वहां पर योग माया, तो वह जो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ कंस की जेल में, तब वहां पर योग माया ने ही अपना प्रभाव डाला था, योग माया ही ने सारे जो कंस के संतरी और पहरेदार थे उनको योग निद्रा में डाल दिया था, सबके सब बेहोश हो गए थे, और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी निकल गए गोकुल की। तो वो जो योग माया ने वहां पर जो खेल दिखाया था, जब भगवान श्री कृष्ण
उस जेल में से निकल गए थे, बिल्कुल वही का वही दृश्य हम आपको इस फिल्म में यहाँ दिखा रहे हैं कि क्या होती है मोहन विद्या, सम्मोहन विद्या और आकर्षण विद्या, और इसका असर क्या होता है, कैसे होता है, आप स्वयं इस फिल्म में स्वयं देख लीजिए। ये गोवर्धन पर्वत का, गिरिराज पर्वत का मुखारविंद जति का पुरा का दृश्य है, और आप जानते हैं कि वहाँ पर प्रतिमा को छूना तो दूर, उसके दर्शन और स्पर्श तक वर्जित है। वहाँ पर हम दर्शन स्पर्श और उनमें मत्था अपना टेक उनके चरणों में, और हमने वहाँ चित्र भी खींचे और वीडियो भी बनाए, और वह योग माया का हमारी जो कुलदेवी हैं तोमर राजवंश की, पांडवों की, और उनका योग माया का ये असर था, उन्होंने किस तरह योग निद्रा में डाल दिया और किस तरह ये सब पूरा वीडियो बना, आप स्वयं अपनी आँख से देख लीजिए, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ साक्षात किस रूप में मौजूद हैं, किस तरह मौजूद रहते हैं राधा जी और भगवान श्री कृष्ण, ये असर आप स्वयं देखिए। वहाँ योग माया किस तरह असर दिखाती हैं ये भी आप स्वयं इस वीडियो में देख लीजिए। अब हम पुनः मंत्र पर आते हैं, हालांकि ये तुच्छ कोटि के मंत्र कहे जाते हैं, लेकिन साधारण मनुष्यों के लिए जो कुछ नहीं जानते उनके लिए तो ये काम के हैं ही, लेकिन सावधानी ये रहे कि कोई उच्च कोटि का जो विशेषज्ञ होगा या साधक होगा वो इनको काट सकता है, और काटने पलटना का तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि काट पलट उलट हमेशा ही 8 गुनी 16 गुनी 64 गुनी तक की हो करके वापस जाती है, और फिर वो उल्टा असर हो जाता है। तो करें तो किसी उससे पंगा न ले लें, या कोई ऐसे आदमी से जाकर के न भिड़ बैठें जिसकी कुंडली आपसे ज़्यादा बलवान हो, या जिसका ज्ञान आपसे ज़्यादा बलवान हो, या जिसकी साधना आपसे ज़्यादा बलवान हो, तो वहाँ पर आपको मात खानी पड़ेगी और पलट उलट कलट उसका सामना करना पड़ेगा, और उसका असर क्या होता है ये हम अपनी पहली फिल्मों में कईयों में बता चुके हैं। तो उसके साथ ही हम ये उड्डिष्टतंत्र है रावण ने जो बताया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आज हम यहाँ पर अर्क प्रकाश रावण द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है, दुर्लभ शास्त्र है, जो कि न केवल गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए, अपितु हकीम, वैद्यों और चिकित्सकों के लिए, जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। आप महिलाएं गृहिणियां जो घर में सब्जी पकाती हैं, अचार या मुरब्बा डालती हैं, या और विधियों से किसी भी सब्जी का या किसी भी वनस्पति का या फल का प्रयोग करते हैं, तो उसका क्या असर होता है, उसके रस का क्या असर होता है, या किस सब्जी का क्या असर होता है, या उसमें जो मसाले डाले जाते हैं उनके क्या असर होते हैं, असरात होते हैं, वो सब पूरी एक विद्या है। एक जो चतुर और उत्तम गृहिणी होती है, एक बहुत उच्च कोटि की स्त्री जो पूरे घर को संभाल सके और घर को स्वर्ग में तब्दील कर दे, जिसके घर में बीमारियां कम आती हों, लोग कम बीमार रहते हों, जिसके भोजन से, जिसका भोजन जो है श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई विधि के अनुसार पकाया जाता हो, और सतोगुणी भोजन जहां होता हो, और उसमें सरकर प्रकाश की उसको जानकारी हो कि किस अर्क का, सब्जियों में जो चीज़ें डाली जाती हैं हर चीज़ का अर्क स्वतः उसमें निकलता है, उसके क्या क्या असर होते हैं, कितना डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए, जिससे कि घर के सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, और घर में जब सुख और सौहार्द रहता है तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सब में सुमति रहती है, सब में प्यार रहता है, प्रेम रहता है, घर के लोग आपस में जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना,
और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। तो हम यहाँ पर आज से अर्क प्रकाश, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़ा शास्त्र और एक बहुत बड़ी रचना है, या बहुत बड़ा देन है जो कि रावण ने रची है, और ये रावण कृत है। तो रावण के इस अर्क प्रकाश का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को अवश्य होना चाहिए। इसमें यहाँ तक आप पहचान सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में जहर है तो कौन सी चीज़ है जो उसे बता देती है, पता पहले से ही पता चल जाता है कि इसमें जहर है, या अन्य बहुत सी ऐसी बातें हैं किसका क्या असर होता है, चाहे वो पति पत्नी के पारस्परिक संबंधों में, शारीरिक संबंधों से संबंधित समस्याएं हों, या जो है कोई छोटी मोटी बीमारियां हों, या शरीर में किसी कमजोरी या अन्य चीज़ों का वो हो, तो उसके लिए अर्क प्रकाश वरदान है, उनको ये जानकारी यहाँ होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आज से ये रावण का जो विशिष्ट और बहुत बड़ा मतलब योगदान है, इस पर पूरी की पूरी कई चिकित्सा पद्धतियाँ टिकी हुई हैं। जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे वो होम्योपैथी की हो, चाहे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की हो, या जो है अपना एलोपैथी की हो, हर एक में किसी न किसी चीज़ का सार होता है, कोई तत्व होता है, और वो अर्क से प्राप्त होता है, और उसी से दवाएं औषधियां बनती हैं। और अगर आप घर में ही उस भोजन को औषधि रूप में ग्रहण करते हैं, अगर स्त्री चतुर है, भोजन बनाने वाली जानती है, उसे सारी जानकारियां हैं, तो निसंदेह उस घर से बीमारियां दूर रहती हैं, उस घर में सुख वैभव समृद्धि और प्रसन्नचित्तता और पारस्परिक प्रेम हमेशा बना रहता है, वह घर बंधा रहता है। तो ये भोजन का जो रहस्य है, ये तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 16-17 इसमें बहुत विस्तार से खोल दिया है, पूरा बता दिया है, और अलग अलग प्रकार के भोजनों के प्रकार बता दिए हैं, सत्वगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन, भोजन को पकाने की विधि, उसमें साफ स्वच्छता, और ये सब विधान श्रीमद् भगवत गीता में पहले से ही बताए हुए हैं। और ये जो रावण द्वारा रचित अर्क प्रकाश है, अर्क प्रकाश शास्त्र, ये तो मतलब एक ऐसा दुर्लभ शास्त्र है कि इसकी जानकारी तो प्रत्येक मनुष्य को, गृहिणियों को तो अवश्य होना चाहिए, महिलाओं को अवश्य होना चाहिए जो रसोई का काम करती हैं, रसोई बनाती हैं, और उनको अवश्य होना चाहिए जो कि रसोई को खाते हैं, और हकीमों को, वैद्यों को और चिकित्सकों को इस अर्कशास्त्र की जानकारी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कहाँ किस चीज़ की कमी है। जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, ये तीन चीज़ों पर पूरा आयुर्वेद शास्त्र टिका हुआ है, यूनानी पद्धति टिकी हुई है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी तो पूरी अर्कशास्त्र पर ही टिकी हुई है। उसमें जिस डॉक्टर हैनीमन और इनका नाम आता है, ये इसके आविष्कारक नहीं है, आविष्कारक हैं रावण। और आज उस पूरे अर्क शास्त्र को यहाँ पर फिल्म के कई भागों के रूप में हम पूरा प्रस्तुत करेंगे, आपको पूरा अर्क प्रकाश रावण द्वारा जो रचित है, इस विश्व को जो एक अद्भुत देन है, हम उसको आपको अपनी फिल्म के इसमें अर्क प्रकाश के कई भागों में आपको उसको दिखाएंगे। ओम जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब हम यहाँ उद्दिष्ट तंत्र में रावण द्वारा बताई गई आर्द्रपटी विद्या का उपयोग यहाँ बता रहे हैं, और इस विद्या के प्रयोग में ये सावधानी रखना चाहिए, चूंकि ये एक काला जादू की विद्या है, जिसे काला जादू कहा जाता है आमतौर पर, वस्तुतः ये एक मारण विद्या है, और इसके लिए काला जादू नहीं, मारण शब्द इस्तेमाल किया जाता है,
और इस विद्या का प्रयोग करने पर विधि तो वही है काला जादू की, लेकिन जो है मारण सुनिश्चित होता हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ा सा भी आभास हो जाए, जो हम अपनी पिछली फिल्मों में बता चुके हैं कि आप पे किसी मंत्र का या तंत्र का असर हुआ है तो उसके क्या पहचान है, तो वो अपनी फिल्म में हम जो पहले बता चुके हैं, अगर ऐसा कोई लक्षण नज़र आए तो आप इससे जो बड़े मंत्र हैं, उच्च कोटि के मंत्र हैं, ये थोड़ा निम्न कोटि है, थोड़ा सा तुच्छ लेवल है, लेकिन जो साधारण मदारी टाइप के जो लोग रहते हैं या लुच्चे टुच्चे रहते हैं पैसे और लोभ लालच में, वो इन मंत्रों का उपयोग करते हैं और काला जादू इन मंत्रों से करते हैं। तो इस मंत्र को जो है काला जादू के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसका विधान हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी लक्षण या आपको वो नज़र आता है तो हम जो पीछे फिल्मों में बता चुके हैं, कई काला जादू के काट के मंत्र वहाँ अपनी फिल्मों में हम वो उच्च कोटि की साधनाएं और उनका दे चुके हैं, तो आप उनका उपयोग करें या उच्च कोटि के साधक से या उच्च कोटि के गुरु से मिलें। तो ये है क्या काला जादू और किया कैसे जाता? तो एक तुच्छ लेवल का जो प्रयोग है, छोटे स्तर का, जो कि आसानी से लोग कर देते हैं, जो लुच्चे मदारी किस्म के लोग रहते हैं, थोड़ा सा पैसा देकर किसी पर प्रयोग कर दे, हम उसको आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। हालांकि इसकी काट जो है बहुत उच्च कोटि की रहती है और उसमें जो व्यक्ति ये काले जादू को करता है या मरण प्रयोग को करता है, उसकी खुद की मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। जो अब उच्च कोटि का कोई साधक या उच्च कोटि के साधना का या मंत्रों का उपयोग किया जाता है तब, तो ये आर्द्रपट्टी विद्या कहलाती है। हम आर्द्रपट्टी विद्या का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ओम नमो भगवती आर्द्रपटेश्वरी हरित।